आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेडिक्स आर्क मेथड, ये एक मेथड होता है प्रेडिक्स आर्क मेथड, कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को जब प्रिपेयर करते हैं तो हम प्रेडिक्स आर्क मेथड यूज करते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए। तो इनमें से पूछा गया है कि हमारे ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें से हम कौन से, किसको हम यूज नहीं करते, कैन नॉट बी यूज नहीं करते किसमें, प्रेडिक्स आर्क मेथड में। तो सबसे पहली बात है ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हम वो मेटल यूज़ करते हैं। ब्रेडिक्स आर्क मेथड में होता क्या है ये पता होना चाहिए, और यूज़ क्या करते हैं ये पता होना चाहिए, तभी हम अपने ऑप्शंस बता सकते हैं। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड यूज़ होता है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। जब भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, तो हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड का कई बार यूज़ करते हैं। और इसके अंदर बीच में एक आर्क ली जाती है, जैसे कि हमने दो इलेक्ट्रोड्स ली, एक कैथोड और एक एनोड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इसके बीच में एक मेटल प्लेट रखी जाती है। मेटल प्लेट जो रखी जाती है वो मेटल प्लेट उस मेटल की बनी हुई होती है जो कि नॉन रिएक्टिव हो, जो क्या हो, नॉन रिएक्टिव, ना कि रिएक्टिव, ठीक है, ताकि क्या हो, नॉन रिएक्टिव, ताकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इस मेटल प्लेट के साथ रिएक्ट ना करें। अगर वो रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको ये जो मेटल यूज़ करनी है ये हमको नॉन रिएक्टिव मेटल की यूज़ करनी है। अब हम इन ऑप्शंस में से देखेंगे कौन सी रिएक्टिव मेटल है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब वो ऑप्शन हमारा होगा। पहले हमारा प्लेटिनम, प्लेटिनम नॉन रिएक्टिव मेटल होते हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना है कैन नॉट बी यूज, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। आयरन एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसको हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। सिल्वर भी क्या होता है, सिल्वर एक नॉन रिएक्टिव है तो हम यूज़ कर सकते हैं, हमें बताना यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हो गया गलत। लास्ट ऑप्शन है गोल्ड, ये भी क्या है, हाईली नॉन रिएक्टिव, और नॉन रिएक्टिव मेटल्स को हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि किसको यूज़ नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। और करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, थर्ड वन, कि हम आयरन को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।